नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं भोजपुरी रिमझिम में। दोस्तों, 2024 का लोकसभा चुनाव आ रहा है और लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से लगातार भोजपुरी कलाकार भी अपना किस्मत आजमा रहे हैं और किस्मत ही नहीं आजमा रहे हैं बल्कि वो सांसद बनकर लोकसभा में भी बैठते नजर आ रहे हैं, जिसमें कि पहला नाम मनोज तिवारी का है। जी हाँ, बात करें तो भोजपुरी इंडस्ट्री से निकलकर मनोज तिवारी सांसद बने हैं और लगातार वो दूसरी बार दिल्ली से सांसद चुने गए हैं और फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के एमपी के तौर पर वो अभी मोदी सरकार में काम कर रहे हैं। इसके अलावा दूसरा नाम आता है भोजपुरी कलाकारों में, एक बड़ा नाम रवि किशन का। जी हाँ, बात करें तो रवि किशन भी भोजपुरी इंडस्ट्री में काम किया और भोजपुरी इंडस्ट्री के साथ साथ उन्होंने गोरखपुर से भारतीय जनता पार्टी का दामन थामकर लोकसभा चुनाव लड़ा और रवि किशन भी चुनाव जीत गए और आज लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर एमपी बने हुए हैं। इसके अलावा तीसरा नाम आता है दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ का। निरहुआ हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव में लड़े थे लेकिन उनका किस्मत साथ दिया, वो चुनाव तो हार गए लेकिन किस्मत साथ इस समय दिया जब अखिलेश यादव ने विधानसभा का चुनाव लड़ा और विधायक बनते ही वहां पर सीट खाली हो गई आजमगढ़ की, जहां पर फिर से उपचुनाव हुआ तो वहां पर अखिलेश यादव के भाई धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनावी मैदान में थे, तो वहीं दिनेश लाल यादव निरहुआ पर भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा जताया और दिनेश लाल यादव निरहुआ सांसद बन गया, यानी कि भोजपुरी इंडस्ट्री से तीसरा ऐसा कलाकार है जो भारतीय जनता पार्टी का दामन थामकर सांसद बन चुका है। लेकिन अब चौथा नाम लोगों के जहन में गूंजने लगा है और वो चौथा नाम कोई और नहीं बल्कि पावर स्टार के नाम से मशहूर पवन सिंह का है और पवन सिंह भी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में काम कर रहे हैं और जिस तरीके से लगातार पिछले कुछ दिनों से अपनी सक्रियता दिखा रहे हैं, बिहार के प्रभारी के साथ सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात के बाद तमाम तस्वीरें साझा कर रहे हैं, मीडिया चैनलों पर बात कर रहे हैं, तो उन सारी चीजों को लेकर यही लगता है कि पवन सिंह भी चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव आरा संसदीय सीट से लड़ सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल खेसारी लाल यादव का है। भाजी हाँ, बात करें तो लोग ये भी कहने लगे हैं कि अगर पवन सिंह चुनाव लड़ते हैं तो खेसारी लाल यादव भी कहीं ना कहीं मन बना लेंगे, भले ही उनका संसदीय क्षेत्र आरा ना हो लेकिन किसी और संसदीय क्षेत्र से खेसारी लाल यादव को चुनावी मैदान में उतारा जाना चाहिए, ऐसा उनका कहना है, समर्थकों का कहना है। लेकिन खेसारी लाल यादव का मानना है कि अभी भोजपुरी इंडस्ट्री में हम ही सबसे बड़े हैं और जब तक हम बने रहेंगे तब तक हम भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करेंगे, फ्यूचर में जब हमारी उम्र होगी देखेंगे कि भाई चुनाव लड़ने लायक हैं तो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आश्वासन उन्होंने अभी तक नहीं दिया है कि वो चुनाव लड़ेंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या आप लोग चाहते हैं कि खेसारी लाल यादव भी चुनावी मैदान में आए या फिर आप लोगों के मनोरंजन के लिए लगातार बड़ी बड़ी फिल्में, अच्छे गाने और तमाम तरीके की चीज़ें करें, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और एक और चीज़ बताइएगा कि तीन सांसद तो बन गए हैं, क्या 2024 में ये तीनों सांसद अपनी कुर्सी को बचा पाएंगे और अगर पवन सिंह चुनाव लड़ते हैं तो क्या पवन सिंह सांसद बन पाएंगे, ये सारी चीज़ें आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।